मुहर्रम उल हराम के एहतराम में सियासी जमातों ने अपनी सरगर्मियां मुलतवी कर दी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आशूरा के बाद दुबई से वतन वापस पहुंचेंगे और सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। इसकी दीगर तफसीलात हमें देंगे अतीक मलिक, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक मलिक, आगाह कीजिएगा कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें मुलतवी किया गया है फिल वक्त? जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के एहतराम में सियासी जमातों ने कल से अपनी तमाम सियासी सरगर्मियां जो है वो मुलतवी करने का जो है फैसला किया है। जबकि जाहिर है बताना है कि तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें कोई सरगर्मी जो है वो नहीं करेंगे और तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन ने भी अपने रहनुमाओं और कारकुनों को इन आयाम में मजबूत सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हिदायत की है। और अशूरा के बाद तमाम सियासी जमातें अपनी सरगर्मियां दोबारा से शुरू करेंगी क्योंकि इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी इस वक्त अपनी जमात को रजिस्टर करवाने के मराहल में जो है वो मसरूफ है और चूंकि जो जुमे अशूरा की छुट्टियां भी इस दौरान में है, इसलिए तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि अब सोमवार से दोबारा ही सरगर्मियां जो है शुरू करेंगे। और जबकि जो पीपल्स पार्टी जराया है उनका ये भी बताना है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी अशूरा के बाद भी जो है वो दुबई से वतन वापस आएंगे और पाकिस्तान वापसी के बाद आसिफ जरदारी अपनी सियासी सरगर्मियों का जो है वो दोबारा से आगाज करेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अतीक तफसीलात के लिए। अतीक मलिक हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे मुहर्रम उल हराम के एहतराम में तमाम तर सियासी जो सरगर्मियां हैं फिल वक्त तमाम तर पार्टीज़ की जानिब से मुलतवी कर दी गई हैं। और ऐसे में एक अपडेट ये भी है कि चूंकि आसिफ अली जरदारी इस वक्त दुबई में हैं और दुबई से जब वो वापस आएंगे आशूरा के बाद तो तमाम तर जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें दोबारा से बहाल किया जाएगा। आम खबर दें कराची।